हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ हिमालय और एवरयूथ के फिश स्क्रब का रिव्यू शेयर करने वाली हूं, दोनों को आपस में कंपेयर करने वाली हूं। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल इनकी दूंगी, ठीक है। तो ये है हिमालय का प्योरीफाइंग नीम स्क्रब, प्राइस 10 रुपीज़ का है, 8 ग्राम की क्वांटिटी है, कुछ इस टाइप का ये पाउच है, ठीक है। अब जो है एवरयूथ का जो स्क्रब है, ये है वॉलनट स्क्रब, प्राइस 15 रुपीज़ का है, ठीक है। दोनों में लिखा हुआ है कि आपका ब्लैक हेड वगैरह ये निकाल देते हैं, तो देखते हैं निकालते हैं कि नहीं निकालते। क्वांटिटी इसमें 7 ग्राम की है, ठीक है। तो फेस की एक साइड में हिमालय लगाऊंगी और एक साइड एवरयूथ का लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस जो है गर्म पानी से वेट कर लिया है, ताकि जो है स्क्रब अच्छे से हो, और क्योंकि सर्दियों में ड्राई हो रखी होती है स्किन, तो ज़्यादा हार्श ना हो, ठीक है। जब मैं सबसे पहले मैंने अप्लाई किया हिमालय का, तो ये ना आपको खुद दिख रहा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, मतलब स्क्रब जैसा ही लग ही नहीं रहा था। हाँ, पार्टिकल हैं उसमें स्क्रब के, बट काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, ठीक है। तो पहले बस मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ, फिर देखते हैं कि इससे अच्छे से रिमूव होता है कुछ भी कि नहीं होता है। और पिछली बार गाइस पील ऑफ मास्क की वजह से फिर से मेरे फेस पे पिंपल हो गए, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, तो मुझे डर भी लगा है इन सब चीज़ों को अप्लाई करने में, ठीक है। अब फेस के दूसरी साइड में लगा रही हूँ एवरयूथ का क्या बोलते हैं इसको स्क्रब, और इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। तो ये इसमें लग रहा था कि हाँ, ये मतलब स्क्रब लग रहा था, हिमालय तो ऐसे लग रहा था जैसे क्रीम लगा रही होगी, बट ये जो है स्क्रब जैसा था, इसमें हार्ड पार्टिकल थे। और उसके बाद मैंने अपने फेस पे अच्छे से मसाज की, और बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं की, मतलब हल्के हाथ से की, और अच्छे से नहीं हो रही थी क्योंकि दोनों हाथों में जो है स्क्रब लगा हुआ था अलग अलग, नहीं तो वो मिक्स हो जाता, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छे से मतलब 5-10 मिनट अच्छे से अपने फेस की मसाज की। अब रिजल्ट मैं आपको बताऊँगी कि इससे ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो अब ये सूख चुका है अच्छे से फेस पे, तो मैंने फिर उसके बाद फेस वॉश कर लिया था, तो दोनों से कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं था, बट एवरयूथ वाला साइड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, स्मूथ लगा, और ब्लैक हेड वाइट हेड अच्छे से निकले। हिमालय से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिला, और थोड़ी सी ड्राई भी लगी मुझे स्किन। तो वीडियो यही शेयर करने वाली थी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।